दोस्तों, कलर्स टीवी के सबसे बड़े कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस के सीजन 16 की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है और आने वाला एपिसोड तो वाकई काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जैसा कि बिग बॉस ने सीजन शुरू होने से पहले ही ये दावा किया था कि इस बार का जो सीजन है वो पिछले सभी सीजन से काफी हटकर होगा और कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि अगले पल घर के सदस्यों के साथ क्या हो सकता है। और कुछ ऐसा ही नजारा हमें घर के अंदर अगले एपिसोड के दौरान देखने को मिलने वाला है। और इस दौरान बिग बॉस घर के अंदर नॉमिनेशन से जुड़ा हुआ टास्क करवाएंगे, जो कि सीजन का पहला नॉमिनेशन टास्क होगा। और इस दौरान बिग बॉस घर के सभी कंटेस्टेंट से साफ तौर पर यह पूछते हुए नजर आने वाले हैं कि कौन किसे नॉमिनेट करना चाहता है, बिना वजह बताए, बिना कोई रीजन दिए, केवल उसका नाम लेना है और बाद में जाकर अपने मनगढ़ंत बहाने बनाकर किसी के सामने सॉरी वगैरह नहीं कहना है। लेकिन यहाँ पर सौंदर्या, टीना और मान्या ने यह गलती कर डाली है और नॉमिनेशन टास्क के बाद वो घर के बाकी कंटेस्टेंट से माफी मांगते हुए नजर आने वाले हैं, जो कि बिग बॉस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। और इसी की बदौलत इन तीनों ही कंटेस्टेंट्स को बिग बॉस के द्वारा काफी बड़ी सजा दी जाएगी, यानी कि इनको दंड मिलने वाला है। और इन तीनों को मिलकर घर के बाकी सदस्यों का काम करना पड़ेगा और पूरा का पूरा घर का काम भी इन तीनों को ही करना पड़ेगा, जो कि सीन देखने में काफी दिलचस्प होगा। फिर देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से ये तीनों घर का काम कर पाते हैं या फिर ये तीनों ही अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाएंगे। फिलहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बिग बॉस ने सही कदम उठाया या गलत? आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।